बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आप जा रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने, तो पता नहीं होता है या नहीं होता, देखते हैं। हम लिफ्ट में आ गए हैं तो बाहर जाते हैं, फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी हम बाहर निकले ही थे कि हमारे एक भाई साहब ने कहा कि हम दोस्त ने कहा मेरा पासपोर्ट अंदर रह गया है। ठीक है, अब दोबारा आगे जाते हैं, वापस आते हैं। तो भाई साहब, हम सबवे में पहुँच चुके हैं अब। ठीक है, यहाँ पर इनके सबवे इतनी ज़बरदस्त, उनकी लोकेशन है बड़ी ज़बरदस्त है। तो अभी हम टिकट वगैरह बाय करेंगे उसकी, सबवे की। ये देख लें अभी कैसे हम बाय कर सकते हैं सबवे की टिकट। ये हो गया, क्यूआर कोड स्कैन हो गया। 25 कितने बनेंगे, 10 यूएन बनेंगे। वो पे हो गए, टाटा बाय बाय। अभी ये कार्ड आएंगे, जैसे हमारे मेट्रो में आते हैं लाहौर और जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे तो हमें ठीपे टाइप मिलते हैं ना, वो एक ब्लू कलर के, लेकिन इधर ये कार्ड होते हैं इस तरह के। ठीक है, तो आओ चलते हैं भैया। यहाँ पे ये निज़ाम है, ज़बरदस्त माहौल है यार। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कैसे दिखाऊँ, अपनी आँखों से, कैमरों की आँखों से दिखा सकता हूँ यार। यहाँ पे ये सारे वेट कर रहे हैं ओपन होने का, हम भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कब होती है। तो हो गई, बैठ जाओ जल्द, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है। तो भाई इस तरह का माहौल होता है उसमें, क्या कहते हैं उसमें, ट्रेन में, सबवे में। देख लें, जो भी आना चाहता है आ जाए। सबवे से अब उतर चुके हैं अब। ठीक है, अब जाके दोबारा क्या कहते हैं उसे, बैंक में जाते हैं। पता नहीं कितनी दूर है बैंक, एक कार्ड वगैरह ये वाला डाके डालते हैं और आगे निकलते हैं हम सबवे से। सामने वहाँ पे जो लगे हुए हैं सारे, वहाँ पे हम ये कार्ड डालेंगे, ये वाला कार्ड। हाँ, यहाँ पे हम डालना पड़ेगा, क्यूआर कोड लगा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे हम डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैं अभी ये डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जी ओपन हो गया, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर हम ये क्रॉसिंग कर रहे हैं और यार मैं नहीं बता सकता आपको कि क्या चल रहा है। जी बाइक्स खड़ी हुई है इलेक्ट्रिक। तो भाई यहाँ पे हम बैंक में बैठे हैं, लग नहीं रहा कि भी बैंक है। तो यहाँ पे अली और मैं हैं और हमारे दो और फेलोज हैं। तो अकाउंट बना लिया मैंने और अली ने, ऐसा टिकट कराने तकरीबन 5-10 मिनट में हमारा अकाउंट बन गया था। कार्ड भी फ़ौरन दे दिया सारा कुछ। तो बस पाकिस्तान में तो वो लिखवा मार लेते हैं, कार्ड आते आते 20 दिन, हाँ 20 दिन लग जाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे फिट निज़ाम है, ICBC का बैंक हमने ओपन करवाया है अकाउंट। तो भाई जब बैंक अकाउंट आना है तो आपने अपना एडमिशन नोटिस और अपना पासपोर्ट लेके आना है। ठीक है, बाकी सारा काम ये खुद करेंगे। तो बस यही है और कुछ नहीं लेके आना यहाँ पे, आपने कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अकाउंट जो है मुफ्त बनता है, ठीक है, कोई पैसे नहीं है, चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट जो है वो बन चुके हैं हमारे सबके। ठीक है, और बस अब हम जो है जाने वाले हैं, जुमा का टाइम होने वाला है। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर, बैंक में खड़ा हूँ। हमारे यहाँ बैंक में जो है वो कहते हैं कि भाई आप बाहर जाओ, फिलहाल हमें तो नहीं कहा, ये बैंक है। पता चल रहा है आपको कि ये बैंक है, ऐसा लगता है घर का माहौल हो और क्या चीज़ है, कोई फंक्शन हो और इन्होंने पार्टी टाइप रखी हो और सजाया हुआ इसको। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं, जुमा की तैयारी करते हैं, अल्लाह खैर करें। बैंक से बाहर आ गए हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ से सिस्टम नहीं होता, जैसे ये चीज़ करो, वो साइन करो, वालद का नाम बताओ, वालदा का नाम बताओ, अब्बे का नाम बताओ, दादे का नाम बताओ, सीने से की कॉपी करवा के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। सिर्फ आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपना और एडमिशन नोटिस दिखाना होता है, इसके बाद रीज़न बताओ क्यों ओपन करवा रहे हो, इसके बाद बस बस फिर बस है, ओके हो गया। तो भाई ये है जी, दोबारा हम आ गए हैं उसमें। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतने व्लॉग्स बना रहा हूँ लेकिन एडिट कौन करेगा और हो भी पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन चलें ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं एक नई मूव चलूँगा, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा, फिर ना कहने बताया नहीं। अब बस यही है और कुछ नहीं है, इधर भी आप देख सकते हैं भैया। ठीक है, अभी हम आपको कार्ड मैंने बल्कि बताया था मैंने कैसे, चलो दोबारा बता देता हूँ एक मरतबा।
ये हमने एंटर किया, उसके बाद हमने अपना स्टेशन सेलेक्ट किया। ओके, इसके बाद जितना हो, जितने स्टेशन का हो कितना बनेगा जी, हम 5 सीटें हैं, 5 बंदे हैं, उसी हिसाब से हम पे करेंगे। ठीक है, 10 यूएन पे हो गए और अभी हमारे कार्ड आ जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चलो दो मरतबा बता दूँ ताकि आपके आपका हाफजा अगर कमज़ोर है तो। ओके, ये मेरा कार्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं चला गया, अभी दोबारा ये जब से वापस बंद हो जाएगा। उसने दोबारा अपना रखा, वो ओपन हो गया। तो इस तरह चल रहा है। अगर आपको नहीं पता, पाकिस्तान में अगर आपने मेट्रो का सफ़र नहीं किया फिर आपको पता नहीं होगा, अगर किया है तो फिर वहाँ पे टोकन होंगे। अच्छा, तो भाई हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, अभी टैक्सी में बैठे हैं, तो जो है जाते हैं। जुमा शायद हो ना हो गया, वो एक बार कर 10 मिनट पर होता है। अभी हम बैठ तो गए लेकिन कोई नहीं, पहली मरतबा जा रहे हैं, मस्जिद वगैरह अभी देख लेंगे तो क्या हिसाब बनता है, बाकी तो मस्जिद जाके फिर मिलते हैं। ये जी हम मस्जिद के बाहर खड़े हैं, मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी शायद, ये हल्का सा व्यू है। सारे हम लेट हो गए थे जुमे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देख लो भाई, चाइना में मस्जिद इस तरह की होती है, ये मीनार लगे हुए हैं, बस यहीं से अंदाज़ा लगाना है आपने, इस तरह की मस्जिद यहाँ पे मिलते हैं, ये खंडरात बने हुए हैं नीचे। तो बस अब हम लेट हो गए थे जुमे थे यार, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ये जी हम बस में हैं, तो जुमा पढ़ के वापस जा रहे हैं। बस में ये इसका रेंट है जी, किराया है 1 यूएन, 1 यूएन पर पर्सन। हम 4 बंदे थे, हमने 4 यूएन दिए। टैक्सी पे हम आए, उसके 15 यूएन लगे। टैक्सी महंगी है, ये वाली स्पेशल जो चलती रहती है ना, ये वो है, ये फिट है। देख रहे हैं भाई, ये खनान यूनिवर्सिटी है, खनान यूनिवर्सिटी, HENAN। तो भाई ये देखें, ये पीछे मेरे है खनान यूनिवर्सिटी, खोनान, HENAN। ठीक है, ये वो वाली यूनिवर्सिटी है, तो जो जिन्होंने इसलिए कहा ये देख ले। ओके, ये देख लो भाई, वो बंदा सामने नज़र आ रहा है रेड इशारे पे, इसका मतलब है कि ये ज़ेबरा क्रॉसिंग नहीं कर सकते, रुकी हुई है। ठीक है, जैसे ही ये होगा ग्रीन तो हम यहाँ से कल्टी मारेंगे फिर, तो अभी वेट कर रहे हैं कि कब होता है ग्रीन। ये आपको लाइव ग्रीन दिखाएंगे, ग्रीन करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टिल रेड, वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि हम जा सकते हैं। अब देख रहे हैं भैया, मैं यार मैंने इनको नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता तो उनको बताना है। ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, इम्प्लीमेंट पहली दफा देखा। ये हम प्रैक्टिकल मांगते हैं भैया, तो मैं प्रैक्टिकल उनको दिखा रहा हूँ, ये बंदा चल रहा है। तो भाई जुमे के बाद हम जो है यहाँ पे मार्केट में रुके थे, खाना वगैरह पकाना था, तो ये ब्रेड लिया है और इसमें प्याज हैं, टमाटर हैं, और ये साथ जो है अंडे हैं। ये अंडे ये आप देख रहे हैं, ये हाँ, ये कितने के मिले हैं, ये 20.7 यूएन के, पता नहीं कितने अंडे होंगे इसमें, तो ये 20 को दे लें। ये मेरे ख्याल से क्रेट होने हैं, हमने कैलकुलेटर तो पाकिस्तानी मारना है ना, उस हिसाब से अंडों का रेट बराबर ही चल रहा है वो तकरीबन सेम दर्जन वहाँ पे। तो ये कितने कितने टोटल कितने पे किए सबके, टोटल इन सबके किए 40.30। भाई साहब में थोड़ी गलती होगी हमसे, वो तो हो गए 20 यूएन के। ठीक है, और ये जो है इसमें ब्रेड है, ब्रेड है तकरीबन 10 यूएन का, और इसमें बाकी टमाटर हैं और क्या कहते हैं उसे, प्याज है, तो ये हमें 20 यूएन के पड़ गए, टोटल पड़ गए 20 यूएन। हाँ, आलू भी हैं इसमें, दो तीन आलू होंगे, 20 यूएन के पड़ गए, और 40 सॉरी टोटल मिला के 40 बन गए, और 4×16 तो मतलब 1600 यूएन, 1600 रुपये पाकिस्तानी की हमने ये की है शॉपिंग। ये पाकिस्तान में अगर जाते तो इतना ही मिल जाता तकरीबन। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत महंगा है 1600, ये बोल पाकिस्तान के हिसाब से सही है, मतलब कि इनकी अच्छी इतनी वो महंगी नहीं है, मसला नहीं है इनका इतना। ठीक है, तो ये वही मार्केट है, एक हमने लोकेट की हुई है। ठीक है, तो बस चल रहा है, पानी भरा जा रहा है यहाँ पे, कार्ड लगता है और ये पानी भर रहे हैं।
ये कितने में पड़ेगा ये? ये ऊपर हैं, ये ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर अच्छा, ये भाई नहीं, ये लीटर है ये डीजल की तरह, ये जो कट रहे हैं भैया जैसे यूनिट कटते हैं बिल्कुल ऐसे ही है यार। अच्छा नीचे क्वांटिटी शो कर रही है और ऊपर आपका बिल शो कर रहा है, तो इसका भी कह रहा आपने करवाया हुआ, लेकिन हमें भी इसका कार्ड करवाना पड़ेगा इस तरीके से। ये कार्ड होता है इसका, वही उसने कहा कार्ड दूंगी मैं आपको। नहीं मतलब कार्ड एक दफा ले लिया, इसको एक्चुअली इसके अंदर खुद ही करना होता है बिल। अच्छा ये जी 5/5 दूसरी 87 था ना, 85 87 वो पड़ा है, 87 ठीक है, और लीटर हो गए 6/4-5 ये तकरीबन 4-5 यूएन में पड़ जाए। बड़ी वाली बोतल है ना ये 22 लीटर, इसको बंद कैसे करेंगे जब फिल फुल हो जाए? अच्छा इधर ये 10 लीटर की है, 12 की है। अच्छा ये जी ये आपको पड़ी कितने में? 22 यूएन। वही कह रहा हूँ ये सस्ता पड़ा, ये बहुत सस्ता है फिर तो, ये तो बहुत ही सस्ता है। यूआन कम हो रहे हैं यहाँ पे बस बस ये रोक दिया, ये रेड वाले को दबाएंगे रुक जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, और ग्रीन वाले को दबाएंगे ये वाला शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें कोई निकाल के भी ये QR कोड है ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है इधर, ठीक है ये लग गया, बस ये जीरो हो गया, ठीक है ये खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा लगा रहा हूँ, इसी दोबारा लगाया, ठीक है वो दोबारा शो होना शुरू हो गया। अब हम पानी भर रहे हैं, मतलब ये कार्ड के ऊपर QR कोड जो लगा होता है वो यहाँ पे शो कराएं तो आगे प्रोसेस चल पड़ता है। देख लें भाई देख लें, हमें तो किसी ने नहीं बताया, चलो आपको बता रहे हैं हम। 31 यूआन का काम जो है ना हमारा 6 यूआन में हो रहा है। हाँ ये इस तरह के आपने ढूंढने हैं, ये सुबह मैंने ये आपको दिखाए भी थे, इस तरह के यूनिट टाइप लगे होंगे ये वाले को आपने देखना है। भाई हमारा दूसरे दिन का जो है वो खत्म हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया, पानी शानी हम भर कलंडे सस्ते मिले आज, पानी सस्ता मिला है। हाँ पानी आज सस्ता मिल गया है, ये इस तरह के यूनिट जो मैंने आपको दिखाए हैं, इस तरह के आपने ढूंढने हैं, आपकी अगर कम्युनिटी में हैं तो वो आपने यूज़ करने हैं, और बाजार से आपको मतलब जो हमने 40 यूएन में हमने जो पानी भरा था वो अभी हमने वो 6 यूएन में भरा है टोटल, ठीक है। तो इतना फर्क हो जाता है, हमें पता नहीं था, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। चले ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।